नमस्कार, मेरी रुचि में आपका स्वागत है। मैं आज रुई मछली बनाने वाली हूँ, जिसका फ्लेवर देंगे हम जीरा से। आइए, रुई मछली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है देखें। मैंने रुई मछली लिया, इसको धो के अच्छे से साफ करके हल्दी नमक डाल के आधा घंटा पहले मैंने रखा है इसको। दो प्याज मैंने कद्दूस करके लिया, एक स्पून अदरक का पेस्ट, एक स्पून लहसुन का पेस्ट, दो स्पून जीरा का पेस्ट और दो मीडियम साइज़ का आलू मैंने फ्राई करके इधर रखा। एक टमाटर कद्दूस कर लिया, हाफ स्पून हल्दी का पाउडर, एक स्पून मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और मछली बनाने के लिए मैंने इधर सरसों का तेल इस्तेमाल किया। आइए अभी मछली फ्राई कर लेते हैं। पहले से मैंने कढ़ाई बिठा दिया था, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें भी मैं सरसों का तेल लिया है। अभी मछली हम फ्राई कर लेंगे। मछली हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में अभी हम मसाला भून लेंगे। कढ़ाई हमारा पहले से गर्म था, अब इसमें और तेल डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करती हूँ। सब्जी में कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी। चीनी मेल्ट होने के बाद ऊपर से लाल लाल आएगा उसका बबल, उस टाइम हम प्याज डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और देखिए चीनी में कैसे बबल आ गया है। अभी हम प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा उसके बाद हम लहसुन डालेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है, अभी इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन थोड़ा सा भुनेगा उसके बाद हम अदरक डालेंगे। लहसुन थोड़ा सा भुन चुका है, अभी हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। सबसे लास्ट में हम जीरा डालेंगे, क्योंकि हम मछली में जीरा का फ्लेवर लाएंगे, इसलिए इसको बाद में ही डालूंगी मैं। अभी इसको 2 मिनट तक ऐसे फ्राई करूँगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। अभी जो मिर्ची और हल्दी रखा था इसमें से थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिलाएंगे। इसको डाल दूंगी, थोड़ा सा और पानी मिला के डाल दूंगी इसको। अभी टमाटर जो पेस्ट करके रखा था इसको भी डाल दूंगी मैं। अभी मसाला को अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका तेल छोड़ जाएगा। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जब हम सब्जी में मसाला अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो हमारा सब्जी टेस्टी बनेगा। सब मसाला के ऊपर डिपेंड करता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, जैसे हमारा सारा मसाला अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अभी पूरा तेल छोड़ने लग गया है चारों तरफ। अभी से हम आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद मसाले के साथ इसको अच्छे से चलाएंगे 1-2 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। मसाला में आलू डाल के 1-2 मिनट तक हमने इसको भून लिया। अब इसमें करी के लिए हम पानी डालेंगे। इसको हम 5 मिनट तक पकाए हैं। अभी इसका आलू बॉयल हो चुका है, देखिए एकदम आलू हो जा रहा है। अब इसमें हम मछली डाल देंगे। मछली डालने के बाद अभी जो जीरा पेस्ट रखा था इसको हम डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से खोलने देंगे 1-2 मिनट तक तो। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अभी मछली का करी अच्छे से हो चुका है, जीरे का फ्लेवर मछली के अंदर तक तो जा चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी इसको गर्मा गर्म परोसेंगे।
हमारा मछली का करी बन के तैयार है। इसको चावल या रोटी के साथ खाया जा सकता है। इसको बनाइए, खाइए और आपका अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।